है मेरी लिए यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम बनाएंगे सांभर। सांभर के लिए मैंने ये सिर्फ दो वेजिटेबल लिए हैं, ये है बीन्स और ये है आलू और ये है तूर दाल, मतलब कि अरहर की दाल। तो इनको मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है जी। और ये है सांभर मसाला 2 चम्मच और ये है अलग अलग करे हुए 1 प्याज और थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ी मिर्ची है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा गरम मसाला है। तो जी ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, सांभर मसाले डाल देंगे इसी के अंदर। और ये जो है हमारे प्याज, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और फटाफट इसमें लगा देंगे हम 2 से 3 सीटी। थोड़ी सी हमने हींग भी डाल दी है। और जी ये है इमली का पानी, इसको मैंने छान लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है जी, इस तरीके से। और ये डोसे के लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं, ये देखिए। तो जी सारे मिक्स हमने कर दिया है सामान, अब इसमें कर देंगे 2 गिलास पानी और इसको चढ़ा देंगे हम सीटी लगने के लिए फटाफट। तो आप ये इस तरीके से बनाइए, सारा सामान सब कुछ डाल दीजिए, फिर बाद में हमें इसका बनाएंगे एक अच्छा सा तड़का। तो जी अब करेंगे डोसे की तैयारी। उसके लिए मैंने उड़द की दाल को रात भर भिगो दिया था और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी डाल दी, इससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको मैंने पीस दिया है। और ये है चावल, इसको भी मैंने अलग अलग पीस दिए हैं। अब इनको दोनों को कर देंगे मिक्स। तो जी दाल और चावल कर दिए हैं मिक्स, अब इसको अच्छे से हमें हाथों से फेंटना है इस तरीके से, ताकि इसके अंदर अच्छे से मतलब ये फूल जाए, ठीक है जी। तो उसको मैं पहले फेंट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ डोसा बना के। ये देखिए थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है और मैंने इसको दरदरा ही पीसा है। तो जी 1 से 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, अब इसको रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। तो गाइस अब बनाएंगे आलू, तो उसके लिए मैंने तेल गरम कर दिया है। एक प्याज है, कड़ी पत्ते डाला, ठीक है जी। और ये है राई और है जीरा, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और जी अब डालेंगे इसके अंदर कड़ी पत्ता टेस्ट के लिए। कड़ी पत्ते इसमें फटते हैं बहुत ज़्यादा। डालेंगे इसके अंदर थोड़े थोड़े करके आलू, डालिए इसमें आलू ऐसे डाल। और जब इसमें डालेंगे मसाले, ये देसी मसाले हैं जो हम सब खाते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, कर देंगे मिक्स। ये हमारे डोसे के आलू भी बनकर तैयार हो गए हैं और सांभर भी हमारा बन गया है। तो गाइस यहाँ पर मेरे आलू भी बनकर हो गए हैं रेडी। अब मैं इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेती हूँ और इसको कर देती हूँ खाली, फिर बनाएंगे हम डोसा। और गाइस मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर 3-3 रेसिपी दे दी है, और अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक भी। थोड़ी गाइस इसी कढ़ाई के अंदर हम बनाएंगे तड़का। ये है क्या बोलते हैं, प्याज, राई, जीरा और सूखी हुई लाल मिर्च, और मैंने आलू के अंदर निकाल दी है। और ये है कड़ी पत्ता, और अगर आपके पास चने की दाल हो तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकती हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। इसी तड़का भी हमारा बनकर हो गया है रेडी। और गाइस मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी, ये भी हम डाल देंगे। तो गाइस मैंने डाल दिया है इसके अंदर सांभर, देखिए कितना बढ़िया बना है, देखिए। तो यहाँ पर सांभर भी तैयार है, आलू की सब्जी भी तैयार है और डोसे का बैटर भी तैयार है। बस अब गरम गरम खाएंगे और बनाएंगे। और जो इसमें थोड़ा सा बचा है, इसके अंदर मैं पानी करके इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा पतला हो जाएगा।
गाइस देखिए डोसा हमारा बनकर हो गया है। इसको भी देखिए कितना बढ़िया बना है इस तरीके से। टन टन, कोई बात नहीं, अगर उससे नहीं मोट रहा तो हम हाथ से भी मोड़ सकते हैं। ओ माय गॉड, गरम है अभी तो गाइस बनकर। एक मिनट पहले मैं ये देखिए तैयार है हमारा सांभर और डोसा। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।